अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका टीचर यासिर। जी फ्रेंड, आज हम क्लास नंबर 3 में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करेंगे। कुछ डेटा मैंने पहले ही यहां पे टाइप किया था, मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया ताकि मैं आपके सामने एडजस्ट करूंगा जो बिगनर है, ताकि उनको समझने के लिए आसानी हो जाए। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे कुछ डेटा मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में होगा क्या, वही आइटम नंबर सीरियल नंबर जो मैंने लिखे थे, ये तो नॉर्मल मैंने पिछले क्लासों में भी लिखे थे, वही शीट है। हमने आइटम यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, उनको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, हमने कॉलम पे क्लिक करना है यहाँ पे, और कॉलम पे क्लिक करने के बाद इसके सेंटर में क्लिक करें। अगर मैनुअली करना है चाहते हैं, अगेन कॉलम पे क्लिक करें और यहाँ से इसको ईजीली थोड़ा सा मूव करें तो वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी शीट इसकी। देखिए यहाँ से भी हम उसको मूव कर, बेहतर ये कि फर्स्ट थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करें इसके बिल्कुल के एंड एल के सेंटर में क्लिक करें तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आते हैं, फिर 2 टाइम क्लिक किया वो भी एडजस्ट हो गया, और यहाँ पे क्लिक करें इसको भी एडजस्ट कर दीजिए। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जिससे हम फायदा नुकसान कहते हैं। अभी सीरियल नंबर यहाँ पे लिखे हुए, आइटम यहाँ पे हमारे लिखे हुए, क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे है, हमने टाइप की हुए परचेज प्राइस, जिस जिस प्राइस पे हमने खरीदे हुए हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है। 200 की हमने रैम खरीदी है, एक पीस 200 का है, और 10 खरीदी है हमने क्वांटिटी यहाँ पे, तो परचेज अमाउंट हमें निकालना है। और जब हम सेल करेंगे तो ज़ाहिर है, अगर मैं 200 का यहाँ पे खरीदा है तो 300 का ऑब्वियसली बेचूंगा, ताकि मेरा जो 10 रुपीज़ है वो हमें जो इसमें प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से 150 की हमने खरीदी है और यहाँ पे 100 की हम लोग सेल कर रहे हैं, ये लॉस होगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने 300 की अगर खरीदी है, हमारी खरीद है, परचेज प्राइस हमारी, और यहाँ पे हम लोग सेल प्राइस का जब इसको सेल करेंगे तो ज़रा 300 की बिकी है, यहाँ पे हमारे पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो आइए हम निकालते हैं परचेज अमाउंट में, परचेज अमाउंट कैसे निकालेंगे और सेल अमाउंट कैसे निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने क्लिक किया है इक्वल, आप यहाँ पे टाइप करें। हमने सबसे पहले अपने क्लिक करना है क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी पे क्लिक किया, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, प्राइस के साथ, इंटर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने इसे ड्रैग कर देना है, और इसी तरीके से हमारा परचेज अमाउंट निकल आएगा। और अब हम लोगों ने यहाँ पे निकालना है सेल अमाउंट। सेल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्लिक करना है इसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले आपने इक्वल लगाना है, हमेशा इक्वल लगाइए, क्वांटिटी पे क्लिक करें, मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, सेल प्राइस के साथ। परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो परचेज अमाउंट आएगा, क्वांटिटी को आप सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल अमाउंट आएगा। इंटर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सेल अमाउंट निकल आएगा। इस बटन पे आपने क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है, इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आपका सारा सेल अमाउंट निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने क्लिक किया इक्वल, सेल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, माइनस कर देंगे और क्लिक कर देंगे परचेज अमाउंट पे। मैं जैसे ही इंटर करूँगा यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। इस पर क्लिक करके हम लोगों ने ड्रैग एंड डाउन करेंगे तो देखिए, जहाँ पे हमारे पास माइनस है वो लॉस है, जहाँ पे ज़ीरो है ना वो प्रॉफिट है ना लॉस है। क्यों, क्योंकि मेरी जो कॉस्ट प्राइस थी वो वहाँ पे 120 है, जब मैंने सेल किया तो भी 120 थी, तो इसलिए यहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ। असल में ये प्रॉफिट एंड लॉस कब निकालते हैं, ये हमें यहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, ऐसा होता है कि कुछ आइटम होती है जो काफ़ी देर तक सेल नहीं हुई होती, तो हम क्या करते हैं उसको रेट टू रेट सेल कर देते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ख़राब होने के चांस होते हैं, इसलिए हम उनको रेट टू रेट सेल कर देते हैं, यहाँ लॉस में सेल करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा लॉस ना हो उसका। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रॉफिट एंड लॉस निकाला। यहाँ पे क्या आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे आपका लॉस है। तो ये हमारा एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पर, सबको सेलेक्ट करें, यहाँ से सेंटर करें अलाइनमेंट इसकी, और यहाँ से आके हम लोगों ने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया, 2 कॉलम छोड़ दीजिए, यहाँ पे हेडिंग का नाम लिखें, यहाँ पे मर्ज करें इसे, कलर अप्लाई करें, यहाँ पे लिखें, और टॉपिक हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट लॉस शीट हमारे। बाहर क्लिक करें एक दफ़ा, अंदर क्लिक करें, इसका साइज बड़ा कर दीजिए,
तो ये हमारी एक छोटा सा टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये बिल्कुल बिगनर है, बिगनर लोगों के लिए, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की। आने वाली वीडियो में एडवांस हम लोग आगे करते जाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टडी विद यासी के साथ यासी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।